हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एवरी बन रहा है। सो फिलहाल के लिए इसमें एक छोटा सा शेड था जिसमें हमने कुछ 3 पेयर सनकॉर्न्यूर ला रखे थे। तो सनकॉर्न्यूर भी फुली एडल्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका प्लमेज। तो हम इनको एक टेम्प्रोरी के लिए इस शेड के अंदर में नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड करेंगे। सो वो भी नेस्ट बॉक्स हम लोगों का बन रहा है, कारपेंटर आए हुए हैं। तो उस नेस्ट बॉक्स को हम यहाँ पर दीवार पर हैंग कर देंगे ताकि सनकॉर्न्यूर जिसको ब्रीडिंग करना होगा वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल प्रूवन मेल फीमेल है, एडल्ट ब्रीडिंग पेयर है ये। सो फ्रेंड्स, ये लेडी फीजेंट है। ये फीजेंट भी आपका रेडी टू ब्रीड है, इसने कल भी एक किया था और आज भी अंडा देगी शायद। तो हमने इसके लिए कॉर्नर में एक जगह बना दिया है जिसमें वो जाके अंडा दे सकती है। मेल का डांस आप देख सकते हैं। और ये गोल्डन फीजेंट का मेल है। ये मेल का कर्टशिप डांस है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स लगाने का काम भी कंप्लीट हो गया है। हमने 2 बॉक्स और लगा दी हैं, 2 बॉक्स और बन रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमने साइड में इंस्पेक्शन डोर दिया है। ये इंस्पेक्शन डोर है, जबकि आप अंडा चिक्स चेक कर सकते हैं यहाँ से। और अंदर में मैंने लकड़ी की भूसी भी दे दी है, चूर जो होते हैं, और क्लाइंब भी दे दिया है बर्ड्स को क्लाइंब करने के लिए अंदर से, इस होल के अंदर से। और सेम इसमें भी रखा है हमने, ये लकड़ी का चूर दे दिया हमने इसमें नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे। और ये क्लैंप, ये मैंने हैंडल दे दिया है बर्ड्स को क्लाइंब करने के लिए अंदर से। वायर का नेट बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है उसमें, क्योंकि बर्ड्स का जो लेग में रिंग होता है वो रिंग उसमें फंस जाता है और बर्ड्स अंदर में एक्सपायर भी कर जाता है। क्योंकि बहुत दिन से आपको लगेगा कि बर्ड्स आपका अंदर बॉक्स में है लेकिन उसका पैर यहाँ पर, बहुत से लोग नेट दे देते हैं साइड में चढ़ने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हमने हैंडल दिया है कि हैंडल में सेफ है, बर्ड्स का जो रिंग होता है वो रिंग उसमें फंसेगा नहीं और बस इजीली अंदर और बाहर क्लाइम कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी ये पेयर अप होकर के अंदर बॉक्स में जाएंगे। ऑलरेडी ये पेयर अप होकर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनको बॉक्स पसंद आएगा। और बहुत ही जल्द काम भी चल रहा है हम लोगों का इधर बाहर में ओपन एवरी के लिए। जैसा कि ओपन एवरी बन जाएगा, जिस तरह के आप जानते हैं हमारा ओपन एवरी बन रहा है, तो ओपन एवरी जैसे बन जाएगा हम ये सारा नेट को खोल देंगे तो ये शेड मिल जाएगा बर्ड्स को। और बर्ड्स अंदर भी आ सकते हैं, ब्रीड भी कर सकते हैं उनको मन करे तो, और बाहर में फ्लाई भी कर सकते हैं पूरा। तो अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वॉच करें, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब करा है कि बॉक्स कितना बड़ा होगा और साइज़ कितना बड़ा रहेगा ओपन एवरी का। और इधर जैसा आप देख सकते हैं, इधर हम लोगों का ब्रीडिंग केज बन रहा है। ये बड़े बर्ड्स के लिए है, आपका सनकॉर्न्यूर के लिए तो ये एरिया ठीक है, लेकिन उधर आपका मकाओ रहेगा, कॉकटूज रहेगा और फ्लाइट एरिया उसमें हम 17 फीट दे रहे हैं। और पीछे में आपका वॉकिंग पैसेज है 3 फीट का। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने अफ्रीकन ग्रे के ब्रीडिंग सेटअप में, जहाँ पर मैंने टेम्प्रोरी अपने ब्लू एंड गोल्ड मकाओ एंड एक्लेक्टिक्स के पेयर को रख रखा है। सो एक्लेक्टिस का एक एल शेप का बॉक्स बनाया था मैंने। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फीमेल ने बॉक्स ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और ये बॉक्स को ऑलरेडी इंस्पेक्ट भी कर रही है और इसका मेल यहाँ बैठा हुआ है। सो जितना जल्द हो सके हमें अपना एवरी कंप्लीट करना है और बर्ड्स को वहाँ ट्रांसफ़र करना होगा ताकि ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर सके। ये बिहेवियर बहुत ही अच्छा साइन है कि बर्ड्स ब्रीडिंग मूड में है, क्योंकि जब तक अगर वो ब्रीडिंग मूड में ना होते हैं तो वो बॉक्स में नहीं जाती। तो ये ऑलरेडी बॉक्स को चूज़ कर रखी है, इसको बॉक्स पसंद आया है। सो इसमें भी मैंने एल शेप का बॉक्स बनाया है बर्ड्स को क्लाइंब करके अंदर जाने का। और इस साइड में इंस्पेक्शन डोर रखा है मैंने, कुछ ज़्यादा साइंस नहीं है इस बॉक्स के पीछे में। जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स के पास मुझे जाने नहीं दे रही है। और पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक पेड़ ब्लू एंड गोल्ड मखाओ का भी है, वो भी उधर जाने के लिए रेडी है। और ये एक पेड़ इधर है और बाकी हमारे पास
मेल भी आ गया है अपने बॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इधर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं सर, अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग पेयर है हमारे पास। सो इन लोगों का भी साइन अच्छा है ब्रीडिंग करने के लिए। ये फुल्ली टेम था बट मैंने इनको टेमनेस ख़त्म कर दिया क्योंकि ब्रीडिंग में मेरा मानना है कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बर्ड्स को, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, इनको ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया मैंने। और ये वाला पेयर का भी बहुत जल्दी चिक्स हैच होने वाला है, यह हो चुका होगा, मैंने देखा नहीं है, तो शायद एक से दो दिन के अंदर मैं इसको भी चेक करूँगा कि इसका बच्चा हैच हुआ है या नहीं। बाकी एक पेयर और बाहर है, इसका कोई ब्रीडिंग का साइन नहीं है, लेकिन ये दोनों पेयर बॉक्स में रहते हैं ज़्यादातर। और देखिए कब इनका गुड न्यूज़ मिलता है। देखिए फीमेल एकदम बॉक्स में बैठी रहती है, तो बहुत ही जल्दी हमें इसका भी प्रोग्रेस देखने मिलेगा फ्रेंड्स। ये रहा हम लोगों का ब्रीडिंग केज जो बन रहा था, जैसे मैंने पहले बताया था। तो अब शायद आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से मैं बनाने वाला हूँ इसको। पीछे में वो फीडिंग पैसेज है जिसमें लोग इंटर करेंगे और जाएंगे उधर, और ये सामने में आपका केज रहेगा 10 फुट का। तो बर्ड्स को शेल्टर मिलेगा अंदर में और बाहर में वो इंजॉय कर सकते हैं वेदर को। ये रहेगा पैसेज, इसमें आपका पूरा कंक्रीट का आपका ढलाई हो जाएगा इधर। और ये इसका बैक साइड रहेगा, यहाँ से खाना पानी दिया जाएगा बर्ड्स को। और इस एरिया में नेस्टिंग बॉक्स वगैरह रहेगा, और इधर आपका ओपन रहेगा, ये बाहर अपना फ्लाई कर सकते हैं। और ट्रीज़ भी ऑलरेडी प्लांटेड है, सामने भी शेड हो जाएगा, बैक में भी आप देख सकते हैं शेड अच्छा है। सो उम्मीद करते हैं ये भी अच्छा लगेगा देखने में। ऑलरेडी हमारे पास 2 ब्रीडिंग पेयर ऑफ ब्लू और गोल्ड मकाओ है, ऑलरेडी 2 पेयर के लिए तो जगह है, लेकिन हमें और पेयर लाने होंगे उसको फुल करने के लिए। मिनिमम 10 पेयर्स का बर्ड ब्रीडिंग सेटअप है ये। सो जैसे जैसे काम होता रहेगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि क्या मैं और चेंजेस कर सकता हूँ इसमें। और जैसे भी ओपन एवेरी का भी काम स्टार्ट हो गया है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।